नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 20 जेके के ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़ा सा इनका लेवल भी अप है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन का सही जवाब देंगे और अपनी दावेदारी रेलवे में मजबूत कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि वास्को डिगामा किस राजा शासन काल में कालीकट पहुंचा था। कालीकट के तट पर वास्को डिगामा किस राजा के समय में पहुंचा था। आपके पास 3 सेकंड का समय रहेगा। 3 सेकंड के समय के बाद मैं इसके आंसर को आपके सामने शो कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब समय हो चुका है, इसके आंसर को मैं आपको दिखा देता हूं। तो आंसर है आपके लिए जमेरिन। जमेरिन जो है उस समय वहां का क्षेत्रीय शासक हुआ करता था जिस समय वास्को डिगामा कालीकट के तट पर पहुंचा था। और किस सन में पहुंचा था? 1498 ईस्वी का समय था जिस समय वो कालीकट के तट पे मालाबार तट जिसको कहा जाता था वहां पर पहुंचा था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि पानी ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत से कम हो जाने पर उसमें जलीय जीव जीवित नहीं रह पाएंगे। ऑक्सीजन की क्या लेवल होना चाहिए ताकि जो जीव जंतु है वो पानी में आसानी से रह सके। तो चलिए दोस्तों, 3 सेकंड हो चुका है, आंसर को मैं आपको सामने शो करता हूं। तो आंसर आपके लिए होगा 6%। आपके जल में जलीय जीव जंतु को जो है ऑक्सीजन से सांस लेने के लिए आपको 6% ऑक्सीजन पानी में उपस्थित होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, इससे रिलेटेड एक चीज है, बीओडी। बीओडी दोस्तों, इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखिएगा क्या है, बायोलॉजिकल। बी से बायोलॉजिकल, ओ से ऑक्सीजन और डी से डिमांड। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको बताया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है। तो दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन बहुत सुना होगा कि वायुमंडल में कार्बन का, ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, लेकिन आज आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है। तो चलिए दोस्तों, आंसर आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो आपकी 0.03% है। ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की बात की जाती है तो ऑक्सीजन आपकी लगभग 21% के आसपास और नाइट्रोजन की बात की जाए तो 78% के आसपास है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस चीज से है? निम्न में से किस चीज का संबंध आपका जो है क्योटो प्रोटोकॉल से है? तो चलिए दोस्तों, आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। आंसर क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध आपके ग्रीन हाउस गैस से है। ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस का जो जो है वायुमंडल में संगठन है उसको कम करने के लिए जो है आपका ये क्योटो प्रोटोकॉल का जो है लाया गया था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे पौधों वाष्पोत्सर्जन की बात की जा रही है, इसके लिए आपको किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आंसर बता देते हैं। आंसर है आपका पोटेशियम की जरूरत पड़ती है वाष्पोत्सर्जन के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होता है कि पौधों द्वारा जो उनके आवश्यक जल होते हैं उसको ये के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यही क्रिया जो होती है ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और ये क्रिया कहाँ पर होती है दोस्तों? जो जो आपकी पत्तियां होती हैं उस पत्तियों का जो निचला पार्ट होता है वहां पे जो है रंध्र पाए जाते हैं, उसी रंध्र से जो है ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए एक यंत्र भी आता है जिसका नाम है फोटोमीटर। उसको भी याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोटोमीटर। दोस्तों, इन 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक करिएगा और कितने क्वेश्चन आपने सही किए ये आप जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोड आई इज इक्वल टू कोड आर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोड आई इज इक्वल टू कोड आर। यह घटना प्रकाश की किस क्रिया से संबंधित है, यानी किस क्रिया में, किस प्रक्रिया में ये ना होती है। तो चलिए दोस्तों, आंसर बता देते हैं आपका। आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में साइन आई इज इक्वल साइन आर होता है। कुछ इस प्रकार से आपको जो है दिखाई पड़ेगा इसका इमेज बना हुआ, ये ऐसे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि जल गैस में H2 के साथ कौन सी गैस का मिश्रण है, यानी जल गैस किन दो गैसों के मिश्रण से मिलकर बनी है जिसमें से एक H2 है और दूसरी कौन सी है। तो चलिए दोस्तों, आंसर बताने का समय आ चुका है। आंसर आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब इस हाइड्रोजन के साथ ही है तो ये आपको क्या बनाती है, जल गैस बनाती है। और दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ही विषाक्त गैस है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो या दो से अधिक तत्व का निश्चित अनुपात में संयोजन निम्न में से क्या कहलाता है? चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं। आंसर है आपका, उसको हम लोग यौगिक कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन किया जाता है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में संक्रमण धारा किस ब्लॉक में रखी गई है? तो चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए। यहाँ पर जो आपकी ट्रांजिशन यानी संक्रमण धातुएं हैं, ये आपकी डी ब्लॉक में पाई जाती हैं, आपके आवर्त सारणी में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे फिलासफर वूल भी कहा जाता है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसे फिलासफर वूल के नाम से भी जाना जाता है? तो चलिए दोस्तों आंसर बताने का समय आ गया है। आंसर होगा आपके लिए जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, फिलासफर वूल के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस समिति का संबंध स्थानीय स्वशासन से नहीं है? ध्यान दीजिएगा, स्थानीय स्वशासन से नहीं है की बात की जा रही है। तो चलिए दोस्तों आंसर आपको बता देते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा पी के मल्होत्रा समिति। इसका संबंध स्थानीय स्वशासन से नहीं है। इसके अलावा चाहे अशोक मेहता समिति हो, चाहे जीवी के राव समिति हो, या लक्ष्मी बल सिंघवी समिति हो, सभी का संबंध आपके स्थानीय स्वशासन से है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस गवर्नर जनरल के समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? प्रेस पर प्रतिबंध के लिए पूछ रहा है आपसे। तो चलिए दोस्तों आंसर बताने का समय आ चुका है। आंसर है आपका लॉर्ड वेलेंजली। इसके समय में जो है क्या हुआ था, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये है लॉर्ड मेटकॉफ। इनके समय में इन्होंने प्रेस में से प्रतिबंध हटा लिया था, इसीलिए इनको जो है प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता था, या समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहते हैं, इसके रूप में भी इनको जाना जाता था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुई सीनी किस राज्य का लोक नृत्य है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है दोस्तों, ये किस राज्य का है ये आपको बताना है। तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर है आपका राजस्थान। राजस्थान के लोक नृत्य में जो है ये सुई सीनी बहुत ही अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा दोस्तों चंग नृत्य, एक और याद रखिएगा, चंग, ये चंग नृत्य याद रखिएगा, और साथ ही साथ घूमर याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके राजस्थान से ही संबंधित है, और ये दोनों भी आपके लिए इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो चलिए दोस्तों आंसर आपका देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के जो है सबसे अधिक यानी 67 उपग्रह है। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए, तो दूसरे नंबर पे बात की जाए तो वो आता है नाम शनि का, जिसके आपके 62 उपग्रह हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए दोस्तों आंसर आपको बताते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी आपके रोइंग खेल से संबंधित है। दोस्तों ये रोइंग खेल क्या होता है, ये आपका होता है नौकायान। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये किस चीज से संबंधित है, नौकायान से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गांधी जी को भड़काने वाला सार्जेंट क्यों कहा गया था? चलिए दोस्तों आंसर यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपके लिए। आंसर है प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण, यानी प्रथम विश्व युद्ध में जब लोगों को भर्ती होना था तो उसके लिए लोगों को प्रोत्साहन दे रहे थे, इसीलिए जो है को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यंत्र बादलों की गति एवं दिशा ज्ञात करता है? बादलों की गति एवं दिशा की बात की जा रही है। तो चलिए दोस्तों यहां पर आंसर देखिए आपका क्या होगा, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है बादलों की गति और दिशा को ज्ञात करने में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी एचुरी बनाती है? यहाँ पे जो चार नदियां हैं इसमें से कौन सी नदी आपके लिए एचुराती है? तो आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपके लिए, नर्मदा नदी जो आपके लिए एचुरी बनाती है। दोस्तों ये आपको सेशन कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताइएगा, और अगर आपको इसी प्रकार की डेली जो है क्विज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर कहिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के किस अंग के ऊतकों के मर जाने पर उसे बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है, यानी बायोलॉजिकल डेथ के रूप में किसमें से किस चीज को कहा जाता है, किस चीज के टिश्यू की डेथ पर? तो चलिए दोस्तों आंसर जान लीजिए। आंसर आपका हो जाएगा मस्तिष्क।
मस्तिष्क के टिश्यू जब डेड हो जाते हैं तो उसमें जो है उसमें मेडिकल साइंस की भाषा में उसे बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि उंगलियों के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, उंगलियों के जो नाखून है उसमें आपका बीटा कैरोटीन नामक, सॉरी बीटा कैरोटीन नहीं अल्फा कैरोटीन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन, मैं समझता हूँ सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपने 20 में से कितने सही किए ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा। और इसी प्रकार के नए नए क्विज, नए नए क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपकी क्विज को आपके लिए अपलोड करूँ तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको देख पाए। अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करिए, और बहुत सारी क्विज मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है उसको भी वो भी आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा ये जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।